ये जड़ा है जी अपना सोलर प्लेक्स रीजन है आ पार्ट जो देख रहे हो ये तो मतलब स्वैलिंग जी होंगी ये आ जो ऑर्गनज ने अपने जिते मेरी फिंगरस चल रही ने इनू स्वैलिंग हो जाती है। ये स्वैलिंग होने इतों कसा कसया पेट भरया भरया फील हों फिर जो कुछ खाने उस तो बाद इदा लगता भी बस फुल डाइट हो गया जिमें तो मेन कारण जो हों देखो इतने अपना जोड़ा वाला आ रहा स्टर्नम हड्डी है ये नीचे मतलब फूड पाइप इतने स्टोमिक का एंड आ जाता अंदरले पास स्टोमिक का जोड़ा मतलब एंड लिवर का एंड इतने आ गया पेंक्रिया स्पलीन इतने डायफ्राम पिया इन्ने थान ती अपने अंग ने समॉल इंटेस्टाइन इतने आ जाती है ड्यूडिनम जूजिनम पार्ट इस पार्ट से मतलब ये हों वाला जोड़ा ऑर्गन इतने कई इकट्ठे होने करके जो एक अंग में सोज हो जाती है वो सोज के नाल फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती हैं कि जो शुरुआत के आप धरन कढ़ाने मुक्कियां मारियां किसी ने जां कुल्लियां दी हवा कढ़ी जां किसी होर तरीके नाल उहदे नाल रिलैक्सेशन फील हो जाती है कि अंग जिहड़े रिलैक्स हो जाते हैं बट की होंदा वी उह हफ्ता रिलैक्स रह गए किसी के 10 दिन रह गए किसी के 2 दिन रह गए इस तरह करके कई मतलब भी बीमारी अपनी भुल जाती है 15-20 दिन भी ठीक रह जाता महीना भी ठीक रह जाता फिर चलते चलते ये प्रॉब्लम वधदी उदों आ जदों आपां खाण पीन का ध्यान नहीं रखते भुखे पेट जोर लाई जाने जां फिर रज्जे पेट जोर लाई जाने जां फिर कई बार की होंदा मजबूरी बस कि बाहर अंदर गए हैं फास्ट फूड खाधा गया मतलब भुखे पहला भुखे होंने घरों फिर उस तो बाद उ कुछ ना कुछ फास्ट फूड खाधा गया उस टाइम तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे ने क्योंकि जोर जोर लाने नसा कसिया जाए कशन के नाल फिर आ चीज़ जी टाइट हो जाती है टाइट होने के प्रॉब्लम क्रिएट होंगी है ये प्रॉब्लम जी वीर जी आ रही है काफ़ी लंबे टाइम तो पीड़ित ने हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं इन्हों अगे नालों रिलैक्स ने बट मतलब प्रॉपर रिलैक्स होने जो तक आ सोज निकलती नहीं तद तक ये सही नहीं होंगे क्योंकि इनू क्ढण वास्ते असी मसाज कर रहे हैं मसाज के होंगे कि जोड़े ये वाले ऑर्गन ने इन्हों टाइटनैस बहुत ज़्यादा हुई होंगी है टाइटनैस में रिलैक्स करने मसाज कर एक तरीका जोड़ा कि असी आम ही पेशेंट्स दसते हैं भी आह वाला पार्ट है इनू 10 मिनट देने मसाज की मसाज किस तरीके करनी है भी जी हथेली है अपनी इस हथेली मतलब आप फिंगरस इदा करके मसाज करनी है इस तरीके इदा जो आप मसाज करते हैं ये मसाज करने नाल इफेक्ट की मिलना भी जेडे ऑर्गनज़ ने इन्हां दी सोज डे बाई डे घटन लग जाती है मतलब मसाज करने वेले तुसी जोर नहीं लाना जोर कई बार की पेशेंट करते हैं भी सोज छेती निकल जू भी जोर लाते हैं हाथ तो सिर्फ बस पोला पोला इस तरह करके इदा मालिश करनी है इदा मालिश करने नाल 10 मिनट इतों आ जी सोलर प्लैक्स का रीजन है ये सौखा हो जाता हूँ कई पेशेंटों की होंगे अल्सराइटोकलाइटिस की प्रॉब्लम होंगी है नाल सोलर प्लैक्स की सोज होने करके धरन पक्कन करके मतलब बार बार खाने तो बाद लैटरीन जाते हैं टॉयलेट बार बार जाने अंतड़ी का खब्बा हिस्सा जोड़ा वो कमज़ोर पैन लग जाता क्योंकि बार बार लैटरीन पास होने आह वाला हिस्सा जिते मैं उंगल ला रहा यह प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है इतने अबसैस हो जाती है जिम्मे हम वीर जी के इतने दबद देखो अबसैस है इस पार्ट से घट है मतलब ये अबसैस भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करती है अबसैस का मतलब कि अंतड़ी की अंदरली डायमेंशन घट जाती है वो नाल पाइप का जोड़ा साइज़ घटन करके प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है ये दिक्कत आदि ने बस ये है भी धरण है जी इनू ठीक करने का एक तरीका भी खाने तो 2 घंटे पहला इस पार्ट से जिमें मैं मसाज कर रहा इदा करके इदा 10 मिनट लाने 10 मिनट इस पार्ट से लाओ 5 मिनट इस पार्ट से इदा करके इदा लाओ फिर उस तो बाद 5 मिनट इधर लगाओ फिर उस तो बाद 5 मिनट धुनी के आले दुआले इदा करके इस तरह लाओ ये इफेक्टिव रिजल्ट मिल जाते कई इतों तो लैके इतने तक सोज आती है जिमें भाई साहब के मेदे के नीचे इतों तो लैके इतने तक सोज है इस तक ये करके फिर भोजन खाने मन नहीं करता प्रॉपर भोजन खाने तो बाद भरया भरया लगता जब तक ये सोज नहीं निकलती तद तक जो मर्जी दवाई ले जाओ फायदा नहीं होंगे एलोपैथी दवाइया रेमेकडीएसआर एसिनोप्राजोल या कुछ होर लै करके कुछ टाइम रिलीविंग मिल जाती है बट परमानेंटली रिलीविंग नहीं मिलती इनू की करना फिर यदि मसाज 10 मिनट अलग टाइम लाओ वो किस तरीके नाल करना जिदा कि इस पार्ट से इदा करके इदा इस तरीके इदा मतलब मसाज करनी है इदा मसाज करने के होगा थोड़ी तो जी अंतड़ी का आह वाला हिस्सा ये निकल जूगा सोज निकल जानी है सैटिंग चोन लग जाता इदा बहुत पेशेंटा असी देखे मतलब ये जिन्हें पेशेंट्स केयर कर रहे हैं सौखे हो रहे हैं क्योंकि जेडे गौर करते अपनी वो फर्क पै रहा इदा करने आप रिलैक्सेशन हो सकते हैं ये पार्ट जोड़ा है मतलब ये मसाज इस तरीके करो जिदा मैं कर रहा देखो खुलाई दे मतलब आह वाले हिस्से के नाल इदा करके
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੇ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਓ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਿਨੀਮਮ 2 ਆਵਰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਬਿਫੋਰ ਮੀਲ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਟਾਈਮ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ। ਬਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ।